आपको विजयादशमी की शुभकामनाएं। आपने 2020 में कितने रावण पर विजय प्राप्त की है? कोरोना वायरस का रावण, अपने अंदर का रावण, अंदर घर के कलेश का रावण, आर्थिक व्यवस्था का रावण, कितने सारे मजदूरों की भूखमरी का रावण। मैं अगर गिनाने जाऊंगी तो पूरा दिन ढल जाएगा, लेकिन हम विजयी हुए हैं और आज एक दूसरे को विजयादशमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई विजय नहीं हो सकती। रावण वो है जो हमारे अंदर का काल, जो बुरी आदतें हैं, जो गलत है, और राम वो है जो हमारे अंदर का पौरुष्य है, हमारी शक्ति है, हमारे अच्छे काम करने का जो भाव है, जो विचार है। हमको हमेशा इस युद्ध में, इस रामायण के बीच में रहना पड़ता है। हम कहाँ किस तरफ मुड़ते हैं, वही जीतता है। तुम्हारे अंदर राम जीते या रावण जीते, लेकिन उसका ज्ञान तुम्हारे अंदर हो तो तुम्हारा जीवन सफल है। हमारे अंदर के रावण को मारने के लिए हमें दशहरा का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसे रोज़ अपने काबू में रख सकते हैं, रोज़ उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ एक ही काम करना है। जब दो राह दिखे, जब दो मोड़ आ जाए एक ही समय में, एक ही डिसीजन के लिए, तो कौन सा मोड़ चुनना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम हमेशा विजयी हैं, विजयी थे और विजयी रहेंगे। अपने अपने अस्तित्व को पहचानना और अपने मन के हिसाब से काम करना, अपने जीवन में शांति रखना और अपने अंदर भरोसा रखना, यही जीवन का सत्य है। जीवन एक ही खोज है, मैं कौन हूँ से मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं सिर्फ अपने आप के लिए जागृत हूँ कि नहीं हूँ। विजयादशमी के दिन आप सभी को अपने आप पर विजय की शुभकामनाएं, और माता रानी आप सबकी रक्षा करें। जय माता दी, जय विजयादशमी, जय माता दी। आप सभी को फिर से दशहरा की शुभकामनाएं।